Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Myself Dr. Krantikumar Tungala, Assistant Professor, Department of Chemistry, Ewing Christian College, Prayagraj. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आप सब से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ सके। साथ ही साथ मैं कॉलेज मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हमारे स्टूडेंट्स को इस कोरोना महामारी का समय ऑनलाइन क्लासेस का थ्रू उनको पढ़ा सके, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि इट इज आवर कॉलेज ट्रेडिशन दैट व्हाट एवर वी स्टार्ट विथ अ वर्ड ऑफ प्रेयर। आप सब जानते हैं कि ये हमारा कॉलेज का ट्रेडिशन है कि हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए ये ऑनलाइन क्लासेस को भी हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, अति दयालु परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक और सुंदर मौका दिया है, उसके लिए आपने आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो बीएससी पार्ट टू का बच्चन को इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मिलने के लिए आपने मौका दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमारे सारे विद्यार्थियों को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता। हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने कौन सा परेशानी में है, लेकिन आप सबको संभालिए और बच्चों को बुद्धि और समझ दे दीजिए ताकि जो कोई वो पढ़ते हैं उनको समझ में आए पिता। और विनती करते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे हर एक आखिरी विद्यार्थी तक पहुंचे पिता। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता का नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू ऑल। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स इट मेनली डील्स विथ द रेट ऑफ reaction. So before we start chemical kinetics, let us compare chemical kinetics with thermodynamics. Hum chemical kinetics ko shuru karne se pehle hum compare karenge ki chemical kinetics aur thermodynamics in dono ke beech comparison hum dekhte hain. So in thermodynamics what do we study? Thermodynamics mein hum mainly kya padhte hain? So thermodynamics, it talks about mainly the feasibility of the reaction. Thermodynamics जो है खास तौर से कोई भी reaction होगा या नहीं होगा उसका spontaneity का बारे में बात करते हैं। So if as we see if delta G is negative, the reaction will be spontaneous. On the favorable condition, delta S should be positive. So whereas in chemical kinetics we study the rate of chemical reaction, which means how fast the reaction takes place. So thus chemical kinetics, it deals with the rate of reaction, and so that it explains the mechanism of the chemical reaction. So chemical kinetics jo hai hame mainly rate of reaction ka gati ka bare mein baat karta hai, aur usse हमें उस रिएक्शन का मैकेनिज्म का बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देती है। सो दस केमिकल काइनेटिक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज रिएक्शन काइनेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच इज कंसर्न्ड अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ये मेनली कोई एक रिएक्शन का रेट का बारे में बात करते हैं। सो by experimentally determining the rate of reaction, we can explain the mechanism of the chemical reaction by which the reactants are being converted into products. Ek reaction ka rate kya hoga ye experimentally hum calculate karke usko istemal karke hum ek reaction ka mechanism ko explain kar sakta hai. Ye hum chemical kinetics mein padhte hain. So first of all I would like to remind the terms which we use in chemical kinetics. Main aap sabko chemical kinetics mein kaun si terms hum use karte hain
उन टर्म्स को मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कौन सा टर्म्स है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिकुलरिटी, हाफ लाइफ, ये सब सारे चीज हमें एक और बार याद करके हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन विथ एन इलस्ट्रेशन। इसके लिए मैं एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो हियर वी आर टेकिंग रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हियर यहां पर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट्स का कलर पर्पल कलर में है और प्रोडक्ट्स का कलर ग्रीन कलर में है। सो नाउ यू सी, सो हियर इफ यू सी स्टार्टिंग वी हैव ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। शुरू शुरू में हमें सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कलर है पर्पल कलर। सो जैसे आपका टाइम प्रोसीड होता जाएगा, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यहां पर पर्पल कलर मॉलिक्यूल जो है धीरे धीरे से ग्रीन कलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, विच मीन्स स्लोली द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। सो एज द टाइम गोस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज बीइंग डिक्रीज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज बीइंग इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होते आ रहा है और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते आ रहा है। तो इससे हम एक रिएक्शन का रेट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, हम देखेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंजेस विद टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंजेस विद टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसे चीज है जो या जिसमें रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम का हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज को रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं। सो इसको अदर टर्म्स में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। सो यहां पर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो यहां पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते आ रहा है और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। सो इससे हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता है। सो रेट एक्सप्रेशन वी कैन राइट एज रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, विच इज इक्वल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाई डी टी। यहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट जो है कॉन्सेंट्रेशन को हमें दिखाता है। सो नेगेटिव सिंबल हमें डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है, पॉजिटिव सिंबल इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है। सो यहां पर डीपी या डीटी जो है इंफिनिटिसिमली स्मॉल चेंज, इंफिनिटिसिमली स्मॉल चेंज जो थोड़ा सा चेंज है जो प्रोडक्ट्स में या रिएक्टेंस में, उस चेंज को हमें दिखा रहा है। सो डी टी यहां पर जैसे आपने टाइम से आप डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पर यूनिट टाइम आपको आ रहा है। सो यूनिट टाइम में रिएक्टेंस का या प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो जाता है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। So rate of reaction is the decrease in concentration of reactants or the increase in concentration of products per unit time. So now let us see the differential rate equation. So for this, a simple example we will take. A moles of A and B moles of B are reacting to form C moles of C and D moles of डी। यहां जो कैपिटल लेटर्स में है वो मॉलिक्यूल्स है। सो कैपिटल ए मॉलिक्यूल
कैपिटल बी मॉलिक्यूल, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, वो कितना मोल्स हैं? कैपिटल ए मॉलिक्यूल जो है स्मॉल ए मोल्स हैं, कैपिटल बी मॉलिक्यूल जो है स्मॉल बी मोल्स हैं, कैपिटल सी मॉलिक्यूल्स स्मॉल सी मोल्स हैं, कैपिटल डी मॉलिक्यूल्स स्मॉल डी मोल्स हैं। सो इन इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट ए, सो रेट इज इक्वल टू माइनस वन बाई ए इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी डी बी बाई डी टी। सो यहां पर बी मॉलिक्यूल्स भी रिएक्टेंट्स है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमें डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहां पर भी हमने नेगेटिव सिंबल यूज किया। दस रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई ए डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस वन बाई सी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी विच इज इक्वल टू वन बाई डी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। सो दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हम लोग इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर हम लोग रिडक्शन ऑफ ब्रोमिक एसिड उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ब्रोमिक एसिड एच आई के साथ रिएक्ट होके एच बी आर वाटर और आयोडीन दे रहा है, तो इसमें एच बी आर ओ थ्री का अकॉर्डिंग रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा हम देखते हैं। सो यहां पर हम देखेंगे एच बी आर ओ थ्री एक ही मोल है, सो वी हैव एच बी आर ओ थ्री ब्रोमिक एसिड ओनली वन मोल, सो देयरफॉर रेट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई वन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमिक एसिड डिवाइडेड बाई डी टी। सो वन बाई वन इक्वल टू वन है, तो इसीलिए यहां पर हमने नहीं दिखाया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू एच आई हियर वी हैव एच आई सिक्स मोल्स, तो एच आई के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहां पर एच आई छह मोल्स है, तो इसीलिए और ये एच आई रिएक्टेंट है, इसीलिए हम लिख रहा है माइनस वन बाई सिक्स डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई बाई डी टी। वाई हियर एच बी आर ओ थ्री एंड एच आई बोथ आर रिएक्टेंट्स, दैट इज वाई वी हैव गॉट नेगेटिव सिंबल हियर। ब्रोमिक एसिड और एच आई दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इसीलिए दोनों का हिसाब से जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें हमने नेगेटिव सिंबल को देखते हैं। अब प्रोडक्ट्स का हम देखेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एच बी आर द रेट विल बी इक्वल टू प्लस डी एच बी आर बाई डी टी। सो यहां पर एच बी आर भी वन मोल है, तो इसीलिए वन बाई वन विच इज इक्वल टू वन, दैट इज वाई वी हैव रिटेन प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच बी आर बाई डी टी। सो नाउ अकॉर्डिंग टू वाटर हियर वाटर थ्री मोल्स इज देयर, सो थ्री मोल्स के हिसाब से हमें होगा वन बाई थ्री, सो दैट इज वाई इट इज इक्वल टू प्लस वन बाई थ्री डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ अकॉर्डिंग टू आयोडीन अगेन इट इज थ्री मोल्स, वी विल गेट प्लस वन बाई थ्री डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन बाई डी टी। सो इफ यू ऑब्जर्व इन ऑल दीज केसेस वी आर डिवाइडिंग विद नंबर ऑफ मोल्स सो दैट वी कैन कैलकुलेट द रेट अकॉर्डिंग टू वन मोल, तो पर मोल का हिसाब से हम रेट का इक्वेशन निकाल सकता है। वाई पर मोल जब हम निकालेंगे तभी हम इसको इक्वेट कर पाएंगे, अगर सिर्फ हमने अगर लिखेंगे कि माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमिक एसिड बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई बाई डी टी, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्यों? एच आई का केस में छह मोल्स रिएक्ट हो रहा है, तो ये छह मोल्स है तो एच बी आर ओ थ्री एक ही मोल है, तो इसको इक्वेट करने के लिए पर मोल के हिसाब से हम ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड करना अनिवार्य है। हम रेट का यूनिट्स हम देखते हैं तो रेट का यूनिट्स जो है मोल लेटर इनवर्स टाइम इनवर्स। व्हाई? बिकॉज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, सो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। यहाँ टाइम इनवर्स क्यों? क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर टाइम का जगह अगर आपने सेकंड्स में कर रहा है तो सेकंड इनवर्स, अगर मिनट्स में कर रहा है तो मिनट इनवर्स, अगर रिएक्शन आवर्स में है तो आवर इनवर्स, समटाइम्स इट मे बी इन डेज आल्सो, सो इट विल बी डे इनवर्स।
So like this, we can see the units of rate of reaction. The units of rate of reaction is mole, liter inverse, time inverse. So now we will see what are the factors which affect the rate of a reaction. Factors affecting a rate of reaction. So there are many factors which affect the rate of reaction. First of all, we'll see the concentration of reactants. Concentration of reactants. So concentration of reactants affect the rate of reaction. How? If the number of molecules of the reactants is more. Agar बहुत ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, दो केसेस हम लेंगे, एक केस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे केस में कम मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर एक ही कंटेनर है, एक ही साइज का कंटेनर है, तो क्या होगा? जिस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा उस केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोलिजन्स ज्यादा होंगे, तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो रेट भी ज्यादा होगा. सो यूजुअली एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस the rate of reaction increases. Why? Because the number of collisions is increasing. So second one, nature of reactants. So if you take, aapne semester 1 aur semester 2 mein practicals kiye the, especially semester 1 mein aapne salt analysis kiya tha, wahan par reactions aap dekhenge to jaise aap do reactants ko milayenge turant reaction हो रहा था. Why? Because most of the reactions are ionic reactions. So the reactions between ionic molecules or polar molecules are very fast. So the reactions of polar and ionic compounds are very fast. Example, neutralization reaction. Neutralization reaction मतलब, say for example आपने acid ले लिया और base, दोनों को जैसे आपने मिलाएंगे तुरंत वो रिएक्ट होके हमें साल्ट और वाटर हमें देता है. तो और भी एग्जांपल्स हम देखना चाहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साल्ट एनालिसिस में जितना भी आप रिएक्शंस किया है, ये सारे रिएक्शन जो है बहुत फास्ट रिएक्शंस है, क्योंकि वो सब आयनिक रिएक्शंस है या रिएक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स है. इसका ऑपोजिट जो स्लो रिएक्शंस है उसका एग्जांपल देखेंगे तो सबसे आसान एग्जाम्पल आप देखेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन का रस्टिंग प्रोसेस ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वो भी एक रिएक्शन है लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है. तो ऐसे हम फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस, ये डिपेंड होगा कि आपका रिएक्टेंट कौन सा है, रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड होगा. इस स्लो रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन से बॉन्ड रिअरेंजमेंट रिएक्शन से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से है, ये सारे जो स्लो रिएक्शंस का एग्जांपल्स हैं. और हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कैटलिस्ट. यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट. इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, whereas in case of negative catalyst rate of reaction decreases. आप जानते हैं कि catalyst दो तरह का है, positive catalyst है और negative catalyst है. अगर आपने positive catalyst का use करेंगे तो rate of reaction बढ़ेगा, या negative catalyst का आप use करेंगे तो rate of reaction घटता है. तो most of the catalyst which we use are positive catalyst. अधिकतर catalyst जो हम use करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, मतलब यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. सो यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स आपने आपको दिया है. सो H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके वाटर को हमें फॉर्म हो रहा है. तो इस रिएक्शन में अगर प्लैटिनम हम कैटलिस्ट जैसा यूज करेंगे कैट को, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. एक और रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीजन से रिएक्ट होके हमें Na2S2O4 दे रहा है. तो इस केस में अगर हमने इथाइल अल्कोहल कैटलिस्ट को यूज किया, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव कैटलिस्ट का एक एग्जांपल देखेंगे कि सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. अगर इस रिएक्शन में हम इथाइल अल्कोहल कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये रिएक्शन
फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इथाइल अल्कोहल एक नेगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन का रूप में हमें यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट फैक्टर, चौथा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंस ये मेनली हेटरोजीनियस रिएक्शंस में होगा। सो इफ यू टेक इन हेटरोजीनियस रिएक्शंस एज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सो दिस इफेक्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो यूजुअली इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली डबल्स। It changes from 2 to 3 times, which we study in Arrhenius equation 2. इस चीज को हम Arrhenius equation में भी पढ़ते हैं कि हम अगर 10 degree temperature बढ़ाएंगे, 10 degree Celsius temperature बढ़ाएंगे, reaction rate जो है double होगा, 2 to 3 times हमें वो rate of reaction बढ़ता है। So one more factor which affect the rate of reaction is nature of light. So there are some reactions which happen in presence of light. Say for example, if you take reaction between hydrogen and chlorine, this reaction cannot happen in normal light. It happens only in the presence of sunlight. If there is no sunlight, this reaction cannot happen. So thus, nature of light also affect the rate of reaction. So far, अभी तक हमने rate of reaction का बारे में हमने देखा है। So now we will see rate law and rate constant. Already हमने rate expression को देख चुके हैं। So rate expression में हमने या differential rate equation में हमने देखा rate जो है change in concentration of reactants और products per unit time का बराबर है। इस चीज को हमने already देख चुके हैं। So now we will see rate law. What is rate law? So rate law, it is simply a mathematical expression. It is simply a mathematical expression which gives the relation between rate of reaction and concentration of reactants. Rate law is a mathematical expression which gives the relation between rate of reaction and concentration of reactants. रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन और रेट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन को बताते हैं वही रेट लॉ। सो मैथमेटिकल इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक एग्जांपल हम यहाँ पर जो ऑलरेडी देखा था वही एग्जांपल, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो यहाँ पर रेट लॉ हम देखेंगे। सो रेट लॉ आर इज इक्वल टू स्मॉल के, हियर स्मॉल के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट और दिस इज द rate constant or velocity constant. So R is equal to K into concentration of A power X into concentration of B power Y. If you see in case of reactants, there we have used small A moles of A and small B moles of B. But here in the rate law, here we are writing X and Y. So this X may or may not be equal to A and Y, it may or may not be equal to B. So what does it mean? X and Y, these are not the stoichiometric coefficients which we write in the reaction. Yahan par reaction mein jo stoichiometric coefficients hum likh raha hai, small A or small B, wo nahi hai. X aur Y wo nahi hai. Uske liye बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, थियोरेटिकली हम नहीं बता सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली ही हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। सो हियर K इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, X एंड Y दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज एंड इफ यू ऐड X एंड Y इट गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड X एंड Y दे आर नॉट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। So now, as we have seen X plus Y, it is equal to order of reaction. So now, what is the order of reaction? Order of reaction is the sum of the powers. It is the sum of the powers to which the concentrations
of reactants are raised. जो rate law में concentration of reactants जो है उसका power में जो terms है उन दोनों का sum को हम कहते हैं order. So now let us see how to define rate constant. यहाँ पर हम rate constant को कैसे define करेंगे? So rate constant is equal to rate of reaction when the molar concentration of each reactant is unity. जो reactants का molar concentration है, अगर one है, एक एक reactant का molar concentration one हो गया, तो उस case में rate constant रेट का बराबर है. तो उस केस में जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है. इसीलिए रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं. तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाया कि R इज इक्वल टू K इनटू 1 पावर X इनटू 1 पावर Y. सो 1 पावर X इनटू 1 पावर Y दैट इज इक्वल टू 1. देयरफॉर वी विल गेट R इज इक्वल टू 1. सो दस रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू R. So next, so before we study order of reaction and molecularity, let us see complex reactions. So complex reactions means what? So complex reactions are those reactions which occur. Complex reactions are those reactions which occur in two or more steps. दो या उससे ज्यादा steps में जो reactions होगा उस reactions को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो हर एक स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एक एक स्टेप है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. सो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि रिडक्शन ऑफ ब्रोमिक एसिड. तो ब्रोमिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ ब्रोमिक एसिड रिएक्ट होके हमें HBr और वाटर और आयोडीन फॉर्म हो रहा है. तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होगा. तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे. तो यहां पर आप देख रहा है कि ब्रोमिक एसिड रिएक्ट विद HI टू फॉर्म HBrO2 एंड HIO. सो दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन. And in the second step, HBrO2 react with 4 moles of HI to form HBr, water and iodine. So this is fast reaction. And the final step is HIO react with HI to form I2 and H2O. So aise hame ye bromic acid ka reduction 3 steps mein hoga. So in teeno elementary reactions. So yaha har ek reaction ko kehte hain elementary reactions. और यहाँ पर तीन एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रहा है. यहाँ तीन एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रहा है, इसीलिए ये ओवरऑल रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. सो हियर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज स्लो रिएक्शन. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो रिएक्शंस बहुत फास्ट हो रहा है और एक रिएक्शन जो है स्लो हो रहा है. सो जो एलिमेंट्री रिएक्शन स्लोली हो रहा है उस रिएक्शन को कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप. इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस द स्लोएस्ट स्टेप और द स्लोएस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन इज द रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन और दैट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. तो इसका मतलब क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप मतलब क्या है? तो उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आप घर से कॉलेज आ रहा है, अपना घर से कॉलेज आ रहा है और आपका घर मान के चलिए लगभग 6 किलोमीटर दूर है कॉलेज से और आपको कोई साधन नहीं मिला ताकि आप कॉलेज पहुंचे. तो आपने सोचा अरे अरे आज क्रांति सर का क्लास है तो हमें क्लास नहीं छूटना है, कैसे भी हमें कॉलेज पहुंचना ही है. तो आपने पैदल ही शुरू हुआ, तो घर से धीरे से पैदल आ रहा है, लगभग आपने 3 किलोमीटर पैदल आ चुका है. तो 3 किलोमीटर दूर आने में लगभग आपको 30 मिनट का समय लगा. मान के चलिए घर से कॉलेज आ रहा है, आधा दूर आपने आ चुका है, लगभग 3 किलोमीटर आया है, उसके लिए समय आपको लगा है 30 मिनट. तो बीच में मतलब आधा दूर आने के बाद आपका दोस्त आपको मिला और वो दोस्त जो है एक नया बाइक उन्होंने खरीदा.
तो वो आके आपसे पूछा, अरे क्यों यार आप पैदल चल रहे हो? हाँ यार कोई साधन नहीं मिला और आज क्रांति सर का क्लास है, नहीं छूटना है तो इसीलिए हम चल रहे हैं। तो वो आपका दोस्त तो आपसे पूछा, चलो चलो यार हम भी क्लास ही चल रहे हैं तो हम बाइक पे चलते हैं, वो भी नया बाइक है, इसीलिए एकदम पटाख से 2 मिनट में कॉलेज, आपने 2 या 3 मिनट में कॉलेज पहुंच गए। तो अगर आपसे पूछे कि घर से आप कॉलेज आने में कितना समय आपको हुआ, तो इतना तो एग्जैक्ट नहीं बताते कि 30 मिनट और ये दो, इसका मतलब 32 मिनट्स, 32 मिनट लगा, इतना तो नहीं बताता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप कहते हैं कि 30 मिनट का समय लगा है। तो 30 मिनट का समय आप कैसे बता रहा है, क्योंकि आप आधा दूर आने में पहला 30 मिनट ज्यादा समय वहां पर आपका व्यस्त हुआ, ज्यादा समय आपका पहला 3 किलोमीटर आने में आपको लगा, बाकी 3 किलोमीटर जो है 2 या 3 मिनट में आपने आ चुका है। तो इसीलिए आप घर से कॉलेज आने में कितना समय लगा है ये कौन डिसाइड कर रहा है, जो पहला आधा हिस्सा है वो स्लोएस्ट स्टेप है। तो ये स्टेप आपको डिसाइड करेगा कि कितना समय लगना है। तो ऐसे स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो ये स्टेप डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना फास्ट होना है। सो दस द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्लोएस्ट रिएक्शन, दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ऐसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बारे में हम देखते हैं। तो यहां तक हम आज का क्लास समाप्त कर रहा है। तो अगले क्लास में हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और हाफ लाइफ पीरियड क्या है, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सारे चीजों को हम देखते हैं। तो आज का क्लास में हमने क्या देखा है, आज का क्लास में हम पहले देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या, किस चीज का बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इट डील्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। उस चीज को हमने देखा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स क्या है, वो चीज हमने देखा है। रेट एक्सप्रेशन क्या है, उसी में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने देखा, और रेट लॉ क्या है, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, ये सब हमने देखा है। तो यहां तक हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।